उत्तर प्रदेश जनपद अंबेडकर नगर के पिंपरीडी गांव पंचायत में जो प्राइमरी विद्यालय व जूनियर विद्यालय में माह जुलाई 2013 में नहीं बने मिड डे मील। 212 बच्चे नामांकित हैं जिन्हें मिड डे मील से वंचित किया जा रहा है। हाँ पढ़त तू प्राइमरी स्कूल में? अपने स्कूल में खाना बना था कि नहीं? ना बना था। कितना दिन से ना बना? एक महीना। हाँ दीदी, अब मजदूरी ना करती तब का करती थी? स्कूल में खाना बनाए थे। रुकमणी के पास कोई आजीविका का साधन नहीं है जो अपने बच्चे को पढ़ा सके, वो इसलिए स्कूल में खाना बनाने का काम करती हैं और उसी के सहारे बच्चे की पढ़ाई और आजीविका देखती हैं, क्योंकि उनका पति भी शारीरिक रूप से हमेशा अस्वस्थ दिखते हैं। स्कूल में खाना एक महीने बंद बा, रोजी रोटी कैसे चलाए? खाना स्कूल में बनता है? खाना तो नहीं बन रहा है, पहले जुलाई से नहीं बन रहा है। आप क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रधान जी से हमने कहा, कई बार कहा और लिखित भी दिया, तो आज के लिए प्रधान जी कहे थे खाना बनवाने के लिए, आज भी नहीं व्यवस्था दे पाए। आपके गांव की कुछ समस्या है स्कूल से लेके, क्या आपके नॉलेज में है? हाँ, स्कूल में भोजन नहीं मिल रहा है, ये एक समस्या है। इसका कारण यह है कि टीचर लोग कुछ निर्णय लिए थे जो निर्णय समिति के साथ बैठकर लेना चाहिए था, ये लोग बिना समिति बुलाए निर्णय लेकर काम कर रहे थे। और उस कारण यह है कि जैसे कोटेदार को जो राशन मिलता है, कोटेदार जो हमको मुहैया कराते हैं राशन, उनके कागज में वजन कुछ लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअल जो बोरी तौली जाती है तो वजन एक बोरी में 15 से 20 किलो कम राशन होता है। ये भी एक समस्या है। शिक्षा विभाग भी इसके लिए जिम्मेदार है। शिक्षा विभाग कभी कभी जो है सूची नहीं भेजता है कि इस विद्यालय को कितना एमडीएम का राशन आवंटित होना है, इससे गोदाम पर राशन नहीं मिलता। कभी कभी तो हम लोग घर से खिला देते हैं, दो चार बोरी गेहूँ चावल घर से चला जाता है, लेकिन उसका भी रिटर्न नहीं मिलता। ये भी एक समस्या है। इसमें पूरा तंत्र ही खराब है, जो इसके प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उन लोगों के अंदर ठीक नहीं। मैं चाहती हूँ स्कूलों में मिड डे मील का बनना शुरू हो, बच्चों के शिक्षा में वृद्धि हो, बच्चों को पूरा पोषाहार मिले, अभिभावक परेशानी से मुक्त हों। मैं गायत्री, उत्तर प्रदेश जनपद अंबेडकर नगर, इंडिया अनहड़ के लिए।